कंपाउंड इंटरेस्ट की इस क्लास के आप रेट ऑफ इंटरेस्ट किवें कैलकुलेट करना है वह सीखेंगे। हुण तक आप जिन्नी भी वीडियोज़ देखिया आप अमाउंट किवें कैलकुलेट करनी है और प्रिंसिपल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू किवें कैलकुलेट करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट किवें कैलकुलेट करना है, यह जे कुछ क्वेश्चन आप देखे। हुण अज की वीडियो के आप क्वेश्चन देखेंगे जिदे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए सम दैट बिकम्स 279 अपॉन 512 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स कंपाउंडड एनुअली। तो कहिंदा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे कोई प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप दा 729/512 गुना हो जांदा है 3 सालां दे विच, जेकर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह कंपाउंड हो रहा होवे एनुअली। हुण बेटा इस क्वेश्चन दे विच प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता आपां नूं, ना ही अमाउंट पता है, लेकिन उन्हां दोनों एक रिलेशन पता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अपने आप दा 729/512 गुना हो जाता है 3 सालां दे विच। तो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट आप एज्यूम करेंगे पी और अमाउंट आप एज्यूम करके चलेंगे 729/512 इंटू पी। टाइम पीरियड 3 सालां दा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इत्थे फाइंड आउट करना है और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इत्थे कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो बेटा वही फॉर्मूला जो पहला तो चलता आ रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+rate/100/T। हुण इत्थे अमाउंट जिहड़ी आपां पुट करके चलेंगे 729/512 इंटू पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1+rate/100/time। टाइम पीरियड आपां नूं दित्ता होया 3 सालां दा। लो बेटा तो यह जो 729/512 इंटू पी है लैफ्ट हैंड साइड के, ये जो अपना राइट हैंड साइड के पी यानी प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आप उसनों शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड के तो जाके डिवाइड करेगी, इज इक्वल टू रह जाएगा अपने को राइट हैंड साइड के 1+rate/100/3। तो इतने प्रिंसिपल अमाउंट ना प्रिंसिपल अमाउंट में आप क्रॉस कर देंगे, अपने को बचा 729/512 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अपने को 1+rate/100/3। हुण 729 नूं 512 से डिवाइड करो तो 1.424 फिगर आपको मिलेगी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के उ है 1+rate/100/3। हुण इस तो बाद बेटा आप करना है इसनों लॉग की हैल्प नाल सॉल्व करना है, तो अपनी लैफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पासे आप कर लेंगे लॉग लवेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स दोनों पासे जो आप लॉग लें तो लैफ्ट हैंड साइड के लॉग 1.424 इज इक्वल टू पावर मूहरे आ जाएगी, पहला आप देखा होया पावर मूहरे आ जाती है जो भी आप लॉग लें और लॉग कि लिता जाता है बेस का और बेस अपने को 1+rate/100। तो बेटा जो आप 1.424 का लॉग देखेंगे तो पहला आप पॉइंट इग्नोर करेंगे, पॉइंट इग्नोर करके अपने को फिगर बनेगी 1424। तो पहला आप 14 का लॉग 2 के नीचे देखेंगे मेन टेबल से जो मिलेगा सानू 1523। फिर आप उस सीट के 14 का जो लॉग टेबल के मीन डिफरेंस टेबल है वो वैल्यू देख चैक करेंगे 4 के नीचे जो कि है 12, तो दोनों ऐड करके अपन मिलेगा 1535। तो 1535 आप इतने पुट करेंगे और मैं पहला भी दस्या सी तुहानू कि जिस वैल्यू का आप लॉग देखते हैं उस वैल्यू के पॉइंट तो पहला आप नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अपने को नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो 1-1 करते आप 0, तो पॉइंट तो पहला आप करेंगे 0 प्लॉट कर देंगे, यानी 1.424 का जो लॉग अपने को आया वह आया 0.1535। राइट हैंड साइड के अपने को 3 मल्टीप्लाई बाय लॉग 1+rate/100। हुण इहदा तां आपां लॉग देख नहीं सकते, तो आ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा अपने को राइट हैंड साइड के, आप उसनों लैफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट किया, उसने जाके 0.1535 नूं डिवाइड करता, राइट हैंड साइड से बचा अपने को लॉग 1+rate/100। तो बेटा 0.1535 नूं जदों 3 से डिवाइड करोगे तो 0.0512 अपने को वैल्यू आएगी इज इक्वल टू लॉग 1+rate/100। हुण बेटा आप लॉग नूं शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड के तो जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो आप एंटी लॉग चैक करेंगे 0.0512 का, राइट हैंड साइड से अपने को ही वैल्यू चलेगी 1+rate/100, लॉग हट जाएगा क्योंकि लॉग नूं आप शिफ्ट करता। हुण एंटी लॉग के चैक करो, हुण एंटी लॉग के टेबल से चैक करो 0.05 की जो मेन टेबल के
वन के नीचे वैल्यू है वह कितनी है, वह मिलेगी 1125। फिर उस सीट के 0.5 की अगे मेन डिफरेंस टेबल के वैल्यू चैक करो, दो दे नीचे वह है 1, तो दोनों नू ऐड करके अपने को फिगर मिलेगी 1126। फिर आप जिस वैल्यू का एंटीलॉग चैक किया उत्थे पॉइंट तो पहला की देखने सी वैल्यू, हुण इत्थे अपने को वैल्यू है 0, इत्थे आप ऐड करते 0+1 1, तो लैफ्ट हैंड साइड तो एक अक्षर बाद आप पॉइंट ला देंगे तो यह जो एंटीलॉग आपको मिलया वह मिले 1.126। राइट हैंड साइड अपने को वैल्यू सी 1+√100। हुण आप इस 1 नू जो कि इत्थे प्लस हो रहा है उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड जो शिफ्ट करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड बचेगा R/100। 1.126 के जो 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.126 इज इक्वल टू R/100। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को रेट आएगा 12.6% पर। लो बेटा हम नैक्सट क्वेश्चन आप चैक करते हैं, एट वट परसेंट विल ₹2304 अमाउंट टू ₹2500 इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरस्ट। तो बेटा कोई प्रिंसिपल अमाउंट 2304 रुपये वह 2500 रुपये की अमाउंट बन जाती है 2 सालों के, तो आप रेट ऑफ इंटरस्ट फाइंड आउट करना है कि किस रेट के नाल अपना इंटरस्ट कंपाउंड हो रहा। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने को इतने हैगी है 2304, अमाउंट अपने को 2500 रुपये, टाइम पीरियड अपने को 2 सालों का, और रेट आप फाइंड आउट करना है। हुण क्वेश्चन के आपको दस्या नहीं कि रेट ऑफ इंटरस्ट कंपाउंड कदों हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करेंगे कि वह एनुअली कंपाउंड हो रहा। हुण बेटा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+√100T, अमाउंट अपने को गिवन है 2500 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है अपने को 2304 रुपये, इंटू 1+√ आप पता करना है रेट अपॉन 100 ला देंगे, पावर टाइम पीरियड अपने को 2 सालों दिता है। हुण बेटा 2304 रुपये जो प्रिंसिपल वैल्यू अपने को इतने मल्टीप्लाई हो रही है उन्होंने आप लैफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर देंगे तो जाके 2500 डिवाइड कर दूंगी, तो 2500/2304 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से अपने को बचेगा 1+√100/2। जो 2500 आप 2304 डिवाइड करेंगे तो अपने को फिगर आएगी 1.085, राइट हैंड साइड के अपने को बचेगा 1+√100/2। हुण इसमें सॉल्व करने वास्ते आप दोनों पासे लॉग लवेंगे जिमें कि आप पिछले क्वेश्चन से किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो बेटा 1.085 का जो आप लॉग चेक करना है तो आप पॉइंट एक बार इग्नोर करेंगे, अपने को वैल्यू मिलेगी 1085 जो आप लॉग देखना है, तो आप 10 का लॉग 8 के नीचे चैक करेंगे मेन टेबल से वह मिलेगा अपने को 0334। फिर उस सीट के 5 के नीचे मेन डिफरेंस टेबल से वैल्यू चैक करेंगे जो मिलेगी 21, तो उसको ऐड करके अपने को 0355 वैल्यू मिली, जिसनों आप इतने प्लॉट करता फिर वो मूहे आप पॉइंट लाता। हूँ जिस वैल्यू का आप लॉग चैक किया पॉइंट तो पहला आप चैक करने हैं डिजिट, तो सिंगल डिजिट है तो आप एक दे विचों एक माइनस करेंगे 0, तो पॉइंट तो पहला 0 लग जाएगा, यानी कि 1.085 का लॉग अपन मिलेगा 0.0355 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ फिगर है अपने को। हुण आ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अपने को राइट हैंड साइड के, उसनों आप शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड से जाके वो डिवाइड कर देगा इज इक्वल टू अपने को बचेगा राइट हैंड साइड से लॉग इंटू 1+√100। तो जो आप 0.0355 नो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को फिगर आएगी 0.0178, राइट हैंड साइड से अपने को लॉग इंटू 1+√100। हुण बेटा लॉग नू आप शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड के जाके एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग आप चैक करेंगे 0.0178 का। अच्छा लॉग नू आप शिफ्ट करता इतने की बचा अपने को 1+√100। हुण एंटी लॉग के टेबल के आप 0.01 दी 7 के नीचे मेन टेबल के वैल्यू चैक करेंगे वह मिलेगी 1040। फिर उस सीट के आप मेन डिफरेंस टेबल से 8 के नीचे वैल्यू चैक करेंगे वह मिलेगी 2, तो दोनों ऐड करके 1042, तो 1042। हुण जिस वैल्यू का आप एंटीलॉग चैक किया है उत्थे पॉइंट तो पहला आप देखनी है वैल्यू कितनी है, तो अपने को वैल्यू है 0, हुण दे विच एक ऐड कर देंगे 0+1 1, तो अपना लैफ्ट हैंड साइड तो आप एक अखर बाद पॉइंट ला देंगे तो एंटीलॉग बन गया 1.042। हुण ये जो 1 से अपने को राइट हैंड साइड के उसनों आप लैफ्ट हैंड साइड से जो शिफ्ट करेंगे वह 1 आके माइनस हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड से बचेगा R/100। अच्छा 1.042 के जो आप 1 माइनस करेंगे तो अपने को बचेगा 0.042 इज इक्वल टू R/100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रेट आ जाएगा 4.2% पर। लो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ रुपीज 5000 अमाउंट्स टू रुपीज 9035 इन 5 ईयर्स। तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपए की, वह 5 सालों के 9035 रुपये बन जाती है एट कंपाउंड इंट्रस्ट रैकन क्वार्टरली। हुण देखो, जेकर अपना कंपाउंड इंट्रस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हुंदा होवे एट ए सर्टन रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंट्रस्ट। तो इहदे विच भी आपां कंपाउंड इंट्रस्ट ही फाइंड आउट करना है, बस थोड़ा जा फर्क यह है कि पिछले जो दो क्वेश्चन किए उत्थे अपना जो इंट्रस्ट सी वह एनुअली कंपाउंड हो रहा सी, बट इत्थे क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा। तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने कोल 5000 है, अमाउंट अपने को 9035 रुपए की है, टाइम अपने को 5 सालों का है, रेट आप पता करना है जो कि कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली। हम बेटा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+ रेट ओवर 100 पावर्टी, वही फॉर्मूला। अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, 1+ रेट आप फाइंड आउट करना है, उसनों एज इट इज़ आर रख लेंगे आप। आर ओवर 100 पावर टाइम पीरियड देखो, हम कंपाउंड जो अपना इंट्रस्ट हुंदा सी तो आप रेट नू 4 ते डिवाइड कर लेंदे सी और टाइम नू 4 ते मल्टीप्लाई कर लेंदे सी। तो अपना जो 5 सालों का पीरियड है उहदे विच किन्ने क्वार्टर बन जाएंगे, 20 क्वार्टर बन जाएंगे। तो इतने जो आप टाइम रखेंगे वह 20 क्वार्टर का रखेंगे, और जो अपना रेट निकलेगा वह भी पर क्वार्टर ही निकलेगा अपना। तो बेटा आज 5000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट है, इसनों आप शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड के, 9035 जाके डिवाइड कर देगा। राइट हैंड साइड से अपने को बचेगा 1+ रेट ओवर 100 पावर 20, 9035 5000 से डिवाइड करेंगे तो 1.807 फिगर मिलेगी। राइट हैंड साइड के 1+ रेट ओवर 100 पावर 20 सेम वही रहेगा। हुण बेटा दोनों पासे लॉग लवेंगे आप, इत्थे अपने को लॉग 1.807 का और राइट हैंड साइड के पावर 20 मूहरे आ जाएगी। लॉग आप देखना है बेस का 1+ रेट ओवर 100 का। अच्छा हुण आप जो 1.807 का लॉग देखेंगे तो पॉइंट इग्नोर करके 1807 यानी कि 18 का लॉग मेन टेबल से 0 के नीचे चैक करेंगे जो कि आपको मिलेगा 2553। और फिर उस सीट के मेन डिफरेंस टेबल के आप चेक करेंगे वैल्यू कितनी मिलेगी 16, दोनों ऐड करके अपने को वैल्यू आएगी 2569। तो 2569 पॉइंट मूहरे ला देंगे। हुण आप जिदा लॉग देखा है उत्थे आप देखना है पॉइंट तो पहला डिजिट किन्ने है, एक सिंगल डिजिट है तो उहदे विचों एक माइनस कर देंगे, एक माइनस एक जीरो, तो पॉइंट तो पहला जीरो लगा देंगे। तो 1.807 का लॉग आ गया अपने को 0.2569। अच्छा राइट हैंड साइड के उही वैल्यू रहेगी। हुण 20 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड से उसनों आप लैफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे तो वह जाके 0.2569 डिवाइड कर देगा, इज इक्वल टू लॉग 1+ रेट ओवर 100 रह जाएगा। जदों आप 0.2569 20 से डिवाइड करेंगे तो अपने को फिगर आएगी 0.0129 राइट हैंड साइड से लॉग इंटू 1+ रेट ओवर 100। हुण बेटा लॉग नूं आप शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड के तो एंटी लॉग से कन्वर्ट हो जाएगा जाके, तो एंटी लॉग आप चेक करना है 0.0129 का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से अपने को बचेगा 1+ रेट ओवर 100। तो हुण आप एंटी लॉग के टेबल के 0.01 की 2 के नीचे मेन टेबल से वैल्यू चैक करेंगे वह होएगी 1028। फिर अगे मेन डिफरेंस टेबल से 9 के नीचे वैल्यू चैक करेंगे वह होएगी 2, तो ऐड करके अपने को वैल्यू आ गई 1030। तो 1030 हुण आप जिस वैल्यू का एंटी लॉग चैक किया उत्थे पॉइंट तो पहला आप चैक करनी है वैल्यू किन्नी है, तो वैल्यू 0 है। 0 के विच आप एक ऐड किया तो 1 आ गया, तो आप लैफ्ट हैंड साइड तो एक अखर बाद पॉइंट लाता तो 1.030 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से 1+ रेट ओवर 100 सी। तो अपना 1 जो है उन्होंने शिफ्ट कर देंगे लैफ्ट हैंड साइड से, माइनस हो जाएगा जाके, राइट हैंड साइड से बचेगा आर ओवर 100। तो 1.030 के विचों जो 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.030 इज इक्वल टू आर ओवर 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आएगा 3%। पर देखो ये जो रेट निकलेगा अपना वो निकलेगा पर क्वार्टर। हुण आपां नूं जो रेट ऑफ इंट्रस्ट चाहिए वह पर एनम चाहिए, तो आप इस फॉर्मूला वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह आ जाएगा 12% पर एनम। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना इंट्रस्ट जिहड़ा हैगा वह कंपाउंड किवें हो रहा है। तो जो चीज़ पहला करते सी, पहला तुसीं रेट नूं डिवाइड कर देंदे हुंदे सी, तो उत्थे पर क्वार्टर या पर हाफ ईयर अपना जो रेट ऑफ इंट्रस्ट सी वह कन्वर्ट हो जाता सी। हुण आपां रेट ऑफ इंट्रस्ट पर एनम का कैलकुलेट करके देना है तो तुसीं वापस मल्टीप्लाई कर दोगे उस फिगर के नाल। लो बेटा नैक्सट क्वेश्चन आप चैक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ए सम अमाउंट टू रुपीज 6050 इन 2 ईयरस।
एंड ₹2,6655 इन 3 ईयर्स एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो बेटा कोई प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6050 रुपये की अमाउंट बन जाती है 2 सालों के और उही प्रिंसिपल अमाउंट 6655 रुपये बन जाती है 3 सालों के। जेकर अपना जो इंटरस्ट है वह कंपाउंड हो रहा होनुअली तो आप फाइंड आउट करना है एक तो प्रिंसिपल सम और दूसरा रेट ऑफ इंटरस्ट। तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है और रेट ऑफ इंटरस्ट भी फाइंड आउट करना है। रेट जो है वह कंपाउंड हो रहा है एनुअली। हुण इत्थे अपने कोल दो अमाउंट्स दित्तियां होईयां ने, कहिंदा अपनी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वह अमाउंट बन जाती है 6050 रुपये 2 सालों के और उही प्रिंसिपल अमाउंट 6655 रुपये बन जाती है 3 सालों के। तो बेटा इसनों किवें सॉल्व करांगे आपां? देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+ रेट ओवर 100 पावर t। जेकर अपनी अमाउंट 6050 रुपये की है तो प्रिंसिपल अमाउंट आपां नूं पता नहीं ना ही रेट पता है, पर यह अमाउंट जी 6050 रुपये की बन रही है वह 2 सालों से बन रही है। तो आप इसनों फस्ट इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे। फिर उस तरीके जेकर अपनी अमाउंट 6655 रुपये बन रही है सेम प्रिंसिपल अमाउंट 3 सालों के बन रही है तो इसनों आप सैकेंड इक्वेशन मान लेंगे। हुण आप करना है अपनी सैकेंड इक्वेशन जी है उसनों फस्ट इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतने पावर वड्डी है इतने पावर छोटी है तो वड्डी पावर में छोटी पावर ना डिवाइड करने वास्ते आप इक्वेशन नंबर 2 नू डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 नाल। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो जो इन डिवाइड करेंगे आप लैफ्ट हैंड साइड के जो अपने को 6655 रुपये है वह डिवाइड हो जाएंगे 6050 रुपये नाल और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के अपने को पी इंटू 1+ रेट ओवर 100 की पावर 3 जो है वह डिवाइड हो जाएगी पी इंटू 1+ रेट ओवर 100 की पावर 2 नाल। हुण बेटा जो डिवाइड करेंगे तो 6655 नू 6050 से डिवाइड करके अपने को फिगर आएगी 1.1। राइट हैंड साइड के प्रिंसीपल नाल प्रिंसीपल नू कट कर देंगे आप और पावर जी 3 सी उसनू 2 नाल जो कट करेंगे तो पावर माइनस होकर रह जाएगी 1। तो 1+ रेट ओवर 100 की पावर रह जाएगी 1। हुण बेटा 1.1 इज इक्वल टू 1+ रेट ओवर 100 क्योंकि पावर 1 सी तो लगाने की लोड़ नहीं अपन। हुण 1.1 ये जो 1 सी इसको लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर देंगे तो जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू आर ओवर 100। तो 1.1 दे विचो 1 माइनस किया तो बचा 0.1 इज इक्वल टू आर ओवर 100 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रेट आ गया अपने को 10% पर एनम। हुण रेट ऑफ इंटरस्ट आप फाइंड आउट कर लिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है तो वो वास्ते अपना जो रेट फाइंड आउट किया है उसनों चाहे इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर लो चाहे इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर लो। तो आप पुट करता इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 जो सी 6050 इज इक्वल टू पी इंटू 1+ रेट की थान पर हुण आप 10% अपलाई कर देंगे 10/100 होल द पावर 2। तो बेटा इसमें सॉल्व करो 6050 इज इक्वल टू पी एलसीएम लिता 110/100 की पावर बन गई 2। 6050 इज इक्वल टू पी 110 में 100 से डिवाइड किया 1.1 उसकी पावर बन गई 2। 1.1 की पावर जो 2 सॉल्व की आप निकली अपने को 1.21 मैंने 1.21 जो है इसमें जो आप लैफ्ट हैंड साइड के भी शिफ्ट करेंगे तो 6050 डिवाइड कर देगी और अपनी प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगी 5000। क्वेश्चन नंबर 23 तो लैके क्वेश्चन नंबर 32 तक तुम सॉल्व करने हैं। जे इन्हों क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वह तुम मैं दस दौ, आप उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे।